वेयर इज पंक्शॉय, सेव पंक्शॉय, पंक्शॉय इज मिसिंग, ये वो हैशटैग्स हैं दोस्तों जो आजकल आप सभी ने फेसबुक और ट्विटर पर देखे तो ज़रूर होंगे, स्पेशली इफ़ यू आर सोशली एक्टिव। मामला गंभीर है क्योंकि मामला चाइना और सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि यौन शोषण से जुड़ा हुआ है। दुनिया भर में लोग पंक्शॉय का हाल जानना चाह रहे हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी भी परेशान है कि आखिर पंक्शॉय है कहाँ। विमेंस टेनिस एसोसिएशन का चीफ एग्जीक्यूटिव भी जानना चाह रहा है कि पंक्शॉय ठीक हैं या फिर नहीं। मगर ये पंक्शॉय हैं कौन, कहाँ से आ रही हैं और लोग आखिर इन्हें इतना ढूंढ क्यों रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज का FII थोड़ा गंभीर और पेचीदा है। गंभीर इसलिए क्योंकि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बेहतरीन खिलाड़ी की जो बीच में गायब हो गई थी और अब वापस कुछ तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। और पेचीदा क्योंकि जानकारों का मानना है कि उनके गायब और वापस दिखाई देने के पीछे चीन का हाथ है। आपको शुरुआत से बताते हैं कि आखिर मसला है क्या। पंक्शॉय 35 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो 3 बार ओलंपिक विजेता भी रह चुकी हैं और करीब 20 साल से टेनिस खेल रही हैं। टेनिस में रुचि रखने वाले पंक्शॉय को बखूबी पहचानते होंगे। वो कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज खिलाड़ी हैं और टेनिस जगत में खासा मशहूर भी हैं। पंक्शॉय ने चाइना को टेनिस जगत की ऐसी बुलंदी पर पहुंचाया है कि चाइना में खुद उन्हें द चाइनीज प्रिंसेस यानी कि चीन की राजकुमारी का नाम दिया गया है। आए दिन उन्हें चाइना पुरस्कृत करता है। कभी इनके मंत्री पंग की तारीफों के पुल बांधते नजर आते थे, मगर करियर के कुछ उतार चढ़ाव के चलते पंक्शॉय ने 2020 के शुरुआती महीनों के बाद से अब तक प्रोफेशनली टेनिस रैकेट नहीं उठाया है। तो अब मसला आखिर है क्या, कैसे गायब हुई पंक्शॉय। 2 नवंबर को पंग ने चाइनीज सोशल मीडिया वीबो पर एक बयान पोस्ट किया। बयान में उन्होंने चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के 75 वर्षीय पूर्व वाइस प्रीमियर जहांग गावली के ऊपर मी टू आरोप लगाया और बताया कि करीब 3 साल पहले जहांग ने उन्हें सेक्स करने के लिए मजबूर किया था। आगे उन्होंने ये भी लिखा कि पहली बार में मेरी कोई सहमति नहीं थी और मैं पूरे समय रोती रही। बाद में जहांग और मेरा रिलेशनशिप कंसेंशुअल यानी कि सहमति से हुआ, मगर उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट था। मतलब पूरी तरह से सहमति थी या नहीं, नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में वाइस प्रीमियर की पोजीशन एक नहीं कई होती हैं और सब अलग अलग विभाग संभालते हैं। अगर भारतीय शब्दकोश में बात करें तो वाइस प्रीमियर प्राइम मिनिस्टर जितनी वैल्यू रखने वाले प्रीमियर के नीचे ही आते हैं। ये लोग बाकी मंत्रियों से कहीं ऊपर होते हैं। जांग ने खुद 2012 से 2017 तक चीनी सत्ता में अहम भूमिका निभाई है। तो अब सोचिए एक टेनिस स्टार ने कितने शक्तिशाली इंसान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है, वो भी चाइना में। बस ये पोस्ट करने की देरी ही थी और कुछ ही मिनटों में चाइनीज इंटरनेट पर मानो बाढ़ सी आ गई। फटाफट पंक्शॉय का अकाउंट निष्क्रिय यानी कि डीएक्टिवेट किया गया, उनका पोस्ट हटाया गया और अब पंक्शॉय का डिजिटल दुनिया में मानो कोई नामो निशान ही नहीं है। चाइना में और भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने शक्तिशाली मर्दों पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए हैं, मगर ये पहली बार है कि एक समय पर चाइनीज रूलिंग पार्टी में वाइस प्रीमियर रहे आदमी पर किसी ने ये आरोप लगाया है। और वैसे भी चाइना मी टू और बाकी फेमिनिस्ट मूवमेंट से थोड़ा दूरी बनाकर चलता है। जब जब चीन के नागरिक किसी भी फेमिनिस्ट मूवमेंट में हिस्सा लेने लगते हैं, चाइना उन्हें डिजिटली ब्लैकआउट कर देता है। हमने बात की तिलक झा से जो चाइना एक्सपर्ट हैं। का चार्ज है सेक्सुअल असॉल्ट के मामले में, ये कोई पहला चार्ज नहीं है चाइना में मीटू मूवमेंट के लिए कि पिछले पहले तो ग्लोबली शुरू हुआ और चाइना में पिछले चार पांच सालों से ये एक के बाद एक इश्यूज आ रहे हैं। केवल पॉलिटिशियंस के खिलाफ नहीं, मीडिया में आया है बहुत सारे इंसिडेंट्स, प्राइवेट कॉरपोरेशंस में आए हैं, स्पोर्ट्स बॉडीज में भी कुछ चार्जेस पहले भी आए हैं, यूनिवर्सिटीज में आए हैं और तो ये तमाम उसी का एक कहिए कि, लेकिन हाँ ये है कि ये फॉर्मर वाइस प्रीमियर के खिलाफ लगा है जो कि अभी जो चाइना में जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम उसमें सब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोगों में से ये एक है। देखते ही होंगे कि आज तक चाइना के किसी भी टॉप लीडरशिप में जो उनकी जो 7 लोगों की जो कमिटी होती है, जो सबसे मेन पावरफुल कमिटी होती है, उसमें आज तक कोई भी वुमेन इलेक्ट नहीं हुआ है। हेड ऑफ स्टेट तो कभी भी कोई
कोई महिला वहां पे नहीं बनती 5 सालों की बात करें, जब से मीटू वहां पे थोड़ा सा पिकअप हुआ है और बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में वहां पे सबसे लेट कहिए कि चीन में मीटू पिकअप हुआ है। तो उसमें स्टेट मीडिया, जो कि स्टेट मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेट मीडिया से ही ये बातें अगर वो कहे तो मतलब रखता है, उसने इन इशू की कवरेज थोड़ी बढ़ाई, वो इस चीज को अब थोड़ा सा खुल के वो लोग इस पे बात करने लगे। तो हमें खुलने के संकेत मिलते हैं, पहले कानून भी नहीं था, पहले तो ये भी नहीं उन्हें पता था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई लीगल डेफिनेशन ही वहां पे जो है मतलब कि नहीं था। तो उन्होंने 2020 में कही कि इस लॉ पे जो है उन्होंने बात करनी शुरू की है, 2017 के बाद जब मीटू हुआ तो उसके बाद भी उन्होंने इसको पूरे सेंसरशिप करने की कोशिश की, लेकिन ये इशू ऐसा है कि लगातार आ रहा है और महिलाओं ने, चीनी महिलाओं ने इस चीज को कहिए कि पीछे हटने से वो लोग नहीं रुके हैं और सोशल मीडिया पे बराबर खबरें हैं। तो अब जब हमें समझ आ रहा है कि कैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को दबाया जाता है चाइना में, हम बात करते हैं कि दुनिया भर में पंग शॉय के अचानक गायब हो जाने पर क्या प्रतिक्रिया रही है। तो जब पंग शॉय ने अपना बयान वीबो पर डाला तब उन पर सेंसरशिप लगा दी गई और कुछ दिनों तक ना उनका अता पता रहा और ना ही उनके द्वारा लिखे गए उस पोस्ट की कोई खबर। तब विमेन्स टेनिस एसोसिएशन के हेड एग्जीक्यूटिव स्टीव साइमन ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाई कि आखिर पंग शॉय कहाँ चली गई एकदम से। 14 नवंबर को उन्होंने बीजिंग को संदेश पहुंचाया कि पंग शॉय कहाँ है इसका पता लगाया जाए। साइमन ने CNN को बताया कि इस बात पर विमेन्स टेनिस एसोसिएशन चाइना में से पूरा निवेश वापस खींच लेगी और साथ ही साथ वहाँ कोई भी व्यापार नहीं करेगी। साइमन ही नहीं बल्कि टेनिस जगत के नामी ग्रामी खिलाड़ी जैसे नाओमी ओसाका, रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, रफाल नडाल और बिली जॉन किंग ने भी पंग के साथ एकजुटता सॉलिडारिटी दिखाते हुए ट्वीट्स किए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को बाकी देशों तक पहुंचाने में मदद की। यहां तक कि बाइडेन ऑफिस और संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने भी बीजिंग से पंग के सही होने का सबूत मांगा। अब बात स्पोर्ट जगत की हो रही है, खिलाड़ियों की हो रही है, तो आपको बताना चाहूंगी कि चाइना में स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ कहावत है ना कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, वहाँ पर दरअसल इसका उलट ही समझ लीजिए। चाइना में बचपन से बच्चों को स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है और उनके विकास पर खुद सरकार निजी तौर पर नज़र रखती है। आइए तिलक से जानते हैं कि कैसी है वहाँ पर सरकार और स्पोर्ट्स जगत की सांठगांठ। हम बात करेंगे कि क्या होती है स्पोर्ट्स वॉशिंग और क्यों कई देश अपनी इमेज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधारने के लिए ये करते हैं। वन ऑफ द टॉप 5 परफॉर्मर्स वो जो है वो कहिए कि वर्षों से रहे और हाल के वर्षों में तो नंबर 2 मे बी आने वाले समय में नंबर 1 भी हो जाए, तो इसका रिजल्ट भी उन्हें देखने को मिलता है। इसके अलावा वैसे ये जरूर है कि उनके स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को लेकर के काफी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि काफी वहां पे कहिए कि रिप्रेसिव जिसको हम शब्द कहें वो ट्रेनिंग देखने को मिलता है और इसमें स्टेट का कंट्रोल भी रहता है, बहुत मामले में रहता है कि किसे सेलेक्ट करना है। केवल सऊदी अरेबिया और UAE नहीं बल्कि रूस भी उसमें शामिल है कुछ हद तक, और भी आप अजरबैजान को ले लें, कजाकिस्तान और बहुत सारे जो ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर कि पॉलिटिकली बहुत ही रिप्रेसिव माना जाता है, लेकिन स्पोर्ट्स को यूज करते हैं अपने इमेज बिल्डिंग करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं, यंग लोग कितने खुश हैं, और ये उनके यंग लोगों को भी मोटिवेटेड रखने का एक जरिया होता है कि उन्हें किस तरह चैनलाइज करें। तो भैया स्पोर्ट्स तो ये तमाम तरीके के उसके बेनिफिट्स हैं, सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, इंटरनेशनल बेनिफिट्स हैं, ये सारे बेनिफिट्स हैं। इनफैक्ट देखिए होता क्या है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए बाकी एग्जिट्स ना हो तो जो ऑप्शंस हैं आप उसी को एक्सरसाइज करें। स्पोर्ट्स पर्सन एक इंटरनेशनल इवेंट पे कम्पीट करते हैं, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, कंट्री ही उनको भेजते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करना रिलेटिवली आसान। लेकिन आपको ये भी चीज समझना हो कि स्पोर्ट्स की जो ट्रेनिंग होती है शुरुआती वो काफी महंगी, हर किसी के वश की बात नहीं होती है कि वो स्पोर्ट्स में जो है सो अपने बच्चों को ट्रेन कर सके, तो लोग भी इस चीज को प्रेफर करते हैं। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में देखना चाहते हैं कि जो है सो स्टेट सपोर्ट करे, फिर उसका वो अपना अग्रीमेंट होता है जिस अग्रीमेंट को अगर तोड़ने के भी क्लॉजेज अगर आज के टाइम में है, लेकिन वो मान लीजिए कि मुश्किल होता है, वो एक सब्सटेंशियल अमाउंट आप जब देंगे तभी आप उससे निकल सकते हैं, इस तरीके की चीजें होती है। तो इसमें एक हिसाब से ये कहिए कि सभी के लिए विन विन सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, लेकिन हम लोग को इसको इस तरीके से भी देखना होगा कि चाइना में क्या है कि उनके उस जैसे हम लोगों ने बात की अभी थोड़ी देर पहले भी कि वो इमेज कॉन्शियस काफी है,
और ये केवल स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये उनके कल्चर का है। वो वहां पे बोलते हैं ना कि मियन, मियन मतलब फेस, फेस लूज करना जो है ये बहुत बड़ी बात है वहां के सोसाइटी में। वही चीज कहीं ना कहीं हमें हाई लेवल पे भी देखने को मिलता है। तो वो चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के माध्यम से दुनिया उन्हें बेहतर एक कंट्री के रूप में जाने। तो जी इतनी बातें हो गई, मगर चाइना ने इस पर क्या कहा है? फिलहाल तो कुछ नहीं, कम से कम औपचारिक रूप से कुछ नहीं कहा है। चाइना की सरकारी ब्रॉडकास्टर्स माने वहां का दूरदर्शन समझ लीजिए, उनका कहना है कि पांग सही सलामत है और फिलहाल छुट्टी पर है, रेस्ट कर रही हैं। कहीं हू शी जिन जो चाइना की सरकारी अखबार के संपादक हैं, वो पांग शॉय की वीडियोस और तस्वीरें डालते नजर आ रहे हैं सो दैट वी कैन गेट कन्विंस्ड कि वो सही हैं। हाल ही में पांग शॉय ने खुद इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के चेयरमैन से वीडियो कॉल पर बात की और उन्हें बताया कि वो एकदम सही सलामत हैं। मगर WTA के चीफ साइमन को इन बातों पर भरोसा सा नहीं हो रहा है। हो भी कैसे, बीजिंग इस बार विंटर ओलंपिक्स की मेजबानी जो कर रहा है और कई लोगों का मानना है कि IOC का काफ़ी पैसा इस समय चाइना में लगा हुआ है। वो कतई नहीं चाहेंगे कि चाइना से ये निवेश खींच लिया जाए। साइमन का कहना है कि सिर्फ चंद तस्वीरों और वीडियो से हम ये नहीं कह सकते कि पांग शॉय सही सलामत हैं और वो अपने फैसले खुद ले रही हैं, इन्फॉर्म चॉइस कर रही हैं। उनका मानना है कि पांग शॉय को वीबो पर लिखे अपने बयान की सजा मिल रही है। इन सारे केसेस को हम लोग को इससे जोड़ के देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये सारी कोशिश इसलिए होती है कि पब्लिक मोबिलाइजेशन वो किसी भी इशू पे नहीं हो, और अगर किसी भी इशू पे पब्लिक मोबिलाइज होती है एक इशू को लेकर के अगर साथ में आती है तो उनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। तो चाहे वो पांग शॉय का इशू हो, चाहे वो आई वेईवेई का इशू हो, चाहे वो किसी कोई भी और इशू, वो ये नहीं चाहेंगे कि एक मुद्दे को लेकर के देश की जनता और खास करके देश का युवा वर्ग कहीं ना कहीं एग्रीवेटेड फील करे। तो पांग शॉय का केस इसी तरीके से वो भी डील करेंगे, सेंसरशिप होगा, उन्हें साइडलाइन किया जाएगा, उन्हें मीडिया से दूर रहने के लिए कहा जाएगा, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन मोबिलाइजेशन रोकने की पूरी कोशिश स्टेट की रहेगी और इसमें वो पीछे नहीं। तो दोस्तों, पांग शॉय कहाँ हैं, कैसी हैं, सही है भी या नहीं, ये तो हम नहीं जानते, मगर आसार कुछ ज्यादा ठीक नजर नहीं आ रहे। ये भी सोचना होगा कि अगर ये मुद्दा इंटरनेशनल स्कैंडल ना बनता तो पांग शॉय के साथ क्या होता। तिलक झा ने सही फरमाया कि चाइना की सरकार डरती है लोगों के गठन से, उनके संगठित होने से, और इसलिए वो नहीं चाहते कि किसी भी वजह से लोग एकजुट हों। मगर शायद हम सभी ने कुछ ही दिनों पहले देखा कि संगठित होकर क्या कुछ नहीं किया जा सकता। शुक्र है भारत एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र का सबसे बड़ा फायदा होता है अनेकता में एकता, संगठित होना। इस खबर पर हम आपको अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आप भी ऐसे ही संगठित रहें, हमें लिखते रहें। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे थे अनकट।